डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? नए वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं, इंशाल्लाह आपके लिए फायदा मंद साबित होगी। एक्सरसाइज आपके सामने है 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 करना है ना, उसमें कंजुगेट किस तरह से साइन चेंज कर लेना है आपने दरमियान वाली वैल्यू का, मतलब 3√+2 लिखा हो तो उसका कंजुगेट आएगा 3√-2, वो एमसीक्यू के लिए है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 2-√3 फाइंड 1/x, 1/x फाइंड करना है। सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू 2-√3। अब 1/x कैसे फाइंड करेंगे? इधर लिखते 1/x इज इक्वल टू, अब आपने ऊपर 1 लिखना है, ये 1, नीचे x की वैल्यू, ये x है तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगी 2-√3। इसी को रेशनलाइज कर दे, क्वेश्चन 1 में जैसे किया, 2+3√2+3√। आगे उसी तरह से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एज इट रहेगा 2+3√ डिवाइडेड बाय, यहां पे फॉर्मूला ये लगना है, a+b इज इक्वल टू a²-b², तो यहां पे लगा देते हैं 2² -√3² क्या बचेगा यहां से 2+3 2² 4√ इससे कैंसिल हो जाएगा -3 4-3 1 बचता है तो जवाब आ जाएगा 2+√3। नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ये आंसर है हमारे पास किसका, 1/x का, 1/x का। अब ये पार्ट देखते हैं, सेम उसी तरह से है, इफ एक्स इज इक्वल टू 4-√17 फाइंड 1/x। सॉल्यूशन, एक्स आपके पास मालूम है 4-17√, ये ऐसे 1/x फाइंड करने हैं, 1/x इज इक्वल टू 1 ऊपर 4-17 यहां पे आ जाएगा। रेशनलाइज कर दें इसे, 4+17 ऊपर अंडर रूट, 4+17 ऊपर अंडर रूट, अब क्या बन जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना, 4+17√, नीचे दोबारा यही फॉर्मूला a+b a-b 4² -17√2 4+17 4² 16 - ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -17 4+17 यहां पे देखें 4-3 1 बच रहा था, प्लस का 1 वो हमने नहीं लिखा, 16-, यहां पे माइनस का 1 बच रहा है वो लाजमी लिखना है, माइनस का 1 बचा, इस माइनस में ऊपर वालों के साइन चेंज कर देने, आपके पास लिखा है 4 लेकिन वो बन जाएगा माइनस का, अभी प्लस का है, ये प्लस का है 17√, ये माइनस का, किसकी वजह से, इस -1 की वजह से, ये आंसर होगा आपका 1/x का। ये बड़ी अहम बात है, ये आपने नहीं बोलनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो नीचे -1 है उसने साइन चेंज करनी है, ये बात नहीं बोलनी आपने। क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, पार्ट 3 में इफ x इज इक्वल टू 2√+2 फाइंड x+1/x। अब ये चीज आ गई बेटा, हमने 1/x तो लाजमी फाइंड करना है, इसके लिए x की वैल्यू मौजूद है, हमें पहले 1/x चाहिए, वो करते हैं कैसे जी, सॉल्यूशन, x हमारे पास मालूम है वो बन जाएगा 3√+2, हमें चाहिए 1/x 1 ऊपर 3√+2,
रेशनलाइज करना पड़ेगा, 3 अंडर रूट माइनस 2 1 इसे मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट माइनस का 2, 3 अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर माइनस 2 का होल का स्क्वायर। फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 अंडर रूट माइनस 2 ये इसे कैंसिल, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। यहां पे क्या बचना है देखिए, 3 अंडर रूट माइनस 2, यहां से -1 बचेगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं 1 ओवर x, अभी आ रहा है ये हमारे पास क्योंकि ये 1 ओवर x चल रहा है, 1 ओवर x बराबर है इस माइनस की वजह से ऊपर साइन चेंज करें, ये हो जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट, ये माइनस है तो साइन चेंज होना है, माइनस माइनस प्लस लिखना है ये 2। अब हमने जो फाइंड करना है, फाइंड तो हमने ये करना है, अब हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर x इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखता हूं वो ये है 3 अंडर रूट प्लस 2, ये लिख दी। अब दरमियान में क्या आना है प्लस, प्लस की वजह से अगले साइन चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही आएंगे जैसे आगे साइन है, मतलब इस 1 ओवर x के साइन सेम आएंगे इस प्लस की वजह से, तो यही लिख देंगे -3 अंडर रूट प्लस 2, प्लस माइनस ये कैंसल हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, मतलब x प्लस 1 ओवर x का जो जवाब आएगा वो हमारे पास 4 आएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये ठीक हो गया।